नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा पाठ है हिंदी आरोह चैप्टर नंबर 16। पाठ का नाम है नमक। और इससे पहले हमने 15 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं एमसीक्यूज वाले, आपको वो वीडियो ज़रूर देखने हैं और वहाँ पर आपको टेस्ट के रूप में देखने हैं कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। चलिए, आज का हमारा पाठ है नमक और इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला है, पाकिस्तान के कस्टम अधिकारी का वतन कौन सा था? पाकिस्तान के कस्टम अधिकारी का वतन कौन सा था? लाहौर, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ। तो इसका जवाब आपने सोच लिया होगा, सही उत्तर है बच्चों दिल्ली। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है, ये कथन किसका है? पाकिस्तान कस्टम अधिकारी का, सफिया का, सफिया के भाई का, सुनील दास गुप्ता का। तो सही उत्तर इसमें होगा पाकिस्तान कस्टम अधिकारी का। भारत के कस्टम अधिकारी का नाम क्या था? सुनील दास गुप्त, सुशील कुमार गुप्त, सुनील गुप्ता, सुशील गुप्ता। तो तीन में सही उत्तर है सुनील दास गुप्त। सुनील दास गुप्त ने सफिया के लिए क्या मंगवाया? ठंडा शरबत, लिमका, कोका कोला, अच्छी वाली चाय। तो सुनील दास गुप्त ने सफिया के लिए मंगवाई चाय। सुनील दास किसे अपना वतन मानता है? भारत को, पाकिस्तान को, दिल्ली को, ढाका को। प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब है सुनील दास ढाका को अपना वतन मानता है। सुनील दास के मित्र का नाम क्या था? शमसुल मेहरबान, शमसुल सलाम, शमसुल मोहम्मद, शमसुल अकरम। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों शमसुलई सलाम, बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सुनील दास गुप्त अपने दोस्त के साथ बचपन में किन साहित्यकारों को पढ़ते थे? नजरुल और निराला, नजरुल और शरतचंद्र, टैगोर और शरतचंद्र, नजरुल और टैगोर। प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब है नजरुल और टैगोर। सुनील दास गुप्त ने कहाँ के डाब को श्रेष्ठ बताया? सुनील दास गुप्त ने कहाँ के डाब को श्रेष्ठ बताया? प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा? कोलकाता, चेन्नई, लाहौर, ढाका। तो सही होगा ढाका के डाब को सही श्रेष्ठ बताया। 9 का, मैंने आपसे कहा न कि मेरा वतन ढाका है, ये कथन किसका है? सफिया पुलिस वाले, सुनील दास गुप्त का, शमसुल इस्लाम का। तो प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब है सुनील दास गुप्त का। नमक कहानी की लेखिका का नाम क्या है? माधवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रजिया सज्जाद जही, फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब है रजिया सज्जाद जहीर। नमक कहानी का संबंध किससे है? हिंदुओं तथा मुसलमानों से, भारतवासियों से, पाकिस्तानियों से, भारत पाक विभाजन से। सही उत्तर होगा बच्चों भारत पाक विभाजन से। सफिया लाहौर जाने से पहले किस कार्यक्रम में गई थी? तो सफिया लाहौर जाने से पहले कीर्तन में, जगराते में, मंदिर में, मस्जिद में। उत्तर है कीर्तन में गई थी। सिख बीबी ने किसे अपना वतन कहा? अमृतसर को, लाहौर को, दिल्ली को, मुल्तान को। तो प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब है लाहौर को अपना वतन कहा। कीर्तन कितने बजे समाप्त हुआ? 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब है बच्चों 11 बजे। सफिया पाकिस्तान के किस नगर में गई थी? सफिया पाकिस्तान के किस नगर में गई थी? मुल्तान में, लाहौर में, सपालकोट में, इस्लामाबाद में। 15 का सही जवाब होगा लाहौर में। अगला प्रश्न है, सिख बीबी ने सफिया से क्या तोहफा लाने के लिए कहा? लाहौरी साल, लाहौरी नमक, लाहौरी किन्नू, लाहौरी मेवा। तो सही जवाब है लाहौरी नमक, जैसा कि पाठ का नाम भी नमक है। सफिया लाहौर में किसके पास गई थी? माता पिता के पास, दोस्तों के पास, पड़ोसी के पास, भाइयों के पास। और 17 का सही जवाब है वह अपने भाइयों के पास गई थी। सफिया का भाई क्या था? पुलिस अफसर, कस्टम अधिकारी, व्यापारी, सरकारी नौकर। तो 18 में सही जवाब है पुलिस अफसर था सफिया का भाई। उत्तर होगा ए। लाहौरी नमक किस कागज़ में लिपटा हुआ था? हरे कागज़ में, लाल कागज़ में, पीले कागज़ में, बादामी कागज़ में। 19 का सही जवाब होगा बच्चों बादामी कागज़ में।
सफिया का भाई किसकी दुआई देकर नमक न ले जाने के लिए कह रहा था? सरकार की, कानून की, इंसानियत की, प्रेम की? तो 20 का सही जवाब है कानून की। आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते, ये कथन किसका है? सफिया के भाई का, सफिया का, लेखिका का, सुनील दास गुप्त का? तो 21 का सही जवाब है सफिया का। आप अदीप ठहरी, और सभी अदीपों का दिमाग थोड़ा सा तो ज़रूर ही घुमा हुआ होता है। यहाँ अदीप शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? 22 का सही उत्तर क्या होगा? सिर्फ रे व्यक्ति के लिए, पागल के लिए, साहित्यकार के लिए, सरकारी अधिकारी के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों, साहित्यकार के लिए। सफिया ने टोकरी में कौन से फल डाले? संतरे, माल्टे, आम, किन्नू? तो 23 का सही जवाब होगा किन्नू। पहले सफिया ने नमक की पुड़िया को कहाँ रखा? अपने पर्स में, फलों की टोकरी की तह में, फलों के ऊपर सूटकेस में? और आपने जवाब सोच लिया होगा, सही उत्तर है फलों की टोकरी की तह में। शहजादा अपनी रान चीर कर क्या छिपा लेता है? सोना, मोती, हीरा, चांदी? 25 का सही जवाब होगा हीरा। जिस कमरे में सफिया सो रही थी उसकी खिड़की के पास कौन सा दरख्त लगा हुआ था? चंपा का, चमेली का, गेंदा का, गुलाब का? 26 में सही जवाब होगा चंपा का। इकबाल का मकबरा कहाँ है? इकबाल का मकबरा दिल्ली में, लाहौर में, मुल्तान में, अमृतसर में? तो इकबाल का मकबरा है लाहौर में। सफिया के दोस्त ने किन्नू देते हुए क्या कहा था? ये हमारी दोस्ती का सबूत है, ये हमारे प्रेम का सबूत है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है, ये रसीला और ठंडा फल है। तो इसका सही जवाब होगा, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। कस्टम पर आकर सफिया ने नमक की पुड़िया कहाँ रख ली? टोकरी में, सूटकेस में, बिस्तरबंद में, हैडबैग में? तो 29 का सही जवाब होगा हैडबैग में उसने नमक की पुड़िया रख ली थी। और ये रहे सभी प्रश्नों के उत्तर, यहाँ पर आप फिर से चेक कर सकते हैं। साथ ही आपको ये बताना है कि कितने प्रश्नों के आप उत्तर सही सोच पाए, कमेंट में अवश्य लिखें। इस वीडियो से आपकी किस तरह से हेल्प हो रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।